नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन चल रहा है। पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके अगर एक पार्ट गिवन है किसी भी फंक्शन का, चाहे वो रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट हो, तो दूसरा पार्ट कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और कुशी रीमान इक्वेशन का सहारा लेके, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मिलनेज थॉमसन्स मेथड का यूज करके कैसे बहुत ही आसानी से हम लोग एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे अगर उसका कोई एक पार्ट ही गिवन है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये फंक्शन होता है, आपको एफ ऑफ जेड एनालिटिक चाहिए जबकि आपको गिवन है सिर्फ एक फंक्शन यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो प्रीवियस मेथड से क्या होता था कि हम लोग वी एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन थॉमसन मेथड से, मिलनेज थॉमसन्स मेथड से आप एक ही बार में डायरेक्टली फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि उसका तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए, आपको जो यहाँ पे गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन के साथ साथ ये मेथड्स भी डिस्कस करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, अगर यू एक्स वाई दिया हुआ है तो आप डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकालिए। अगर वी एक्स वाई भी दिया रहता ना, तो पहले दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए। मतलब क्या करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, डेल अपॉन डेल x ऑफ e का पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो इसको एक पार्ट मान लेते हैं, इसको दूसरा, मतलब डेरिवेटिव जो है ये फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के तौर पे, और इसका डेरिवेटिव तो एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका तो वो सर्टेनली जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इसी के साथ काम करना है। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कॉस वाई, क्योंकि कॉस वाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, एंड प्लस एक्स कॉस वाई एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स तो ई का पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ से आपको मिल चुका है ई का पावर एक्स इंटू कॉस वाई, e का पावर x इंटू कॉस वाई एंड इंटू e का पावर x इंटू कॉस वाई, तो ये तो 1 हो जाएगा और इधर सिर्फ x बचेगा इंटू 1 प्लस एक्स। लिख लीजिए इसको। ऑल राइट, अब यहां से डेल u बाई डेल x आपको मिल चुका है। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज है वो यही कहता है कि अगर आपको u गिवेन है, पहला केस में u गिवेन है और दूसरा केस में, ये केस टू था, दूसरा केस में v गिवेन है, तो इस क्वेश्चन में u गिवेन है, तो u वाला काम कर रहे हैं। डेल u बाई डेल x निकाल चुके हैं हम, और यहां से जो हमें डेल u बाई डेल x मिल चुका है, डेल u बाई डेल x ये हमें मिल चुका है e का पावर x cos 1 प्लस x। ठीक है, और इसको कह रहा है कि इसको आप नाम दे दीजिए फाई वन एक्स कोमा वाई, इसका नाम थॉमसन मिलने मेथड से फाई वन एक्स कोमा वाई। आपको यही चीज याद रखना है कि डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब जो आपका फंक्शन था उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, उसका नाम दे दिया फाई वन एक्स कोमा वाई। अब यहां पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है कि फाई वन एक्स कोमा वाई जो है ये इक्वल है किसके, फाई वन जेड कोमा जीरो के। तो अब यहां से अगर आपको फाई वन
z कोमा जीरो अगर आपको निकालना होगा टू फाइंड यहां पे लिखिए टू फाइंड फाइ वन जेड कोमा जीरो, क्या करोगे? पुट x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू जीरो इन वन, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर कब आएगा? जब x को z पुट करेंगे, y को जीरो पुट करेंगे, तब ना आएगा। तो यहां से हेंस फाइ वन जेड कोमा जीरो जो आपका होगा, फाइ वन जेड कोमा जीरो, ये अब क्या होगा, इसमें x के जगह पे z पुट करेंगे और y के जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। ठीक है, यहां पे ये cos y भी तो है, cos y इंटू वन प्लस एक्स है, तो अब यहां पे z पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x के जगह पे z, तो e का पावर z हो जाएगा, इंटू y के जगह पे जीरो पुट करना है तो cos जीरो वन हो जाएगा, ये cos जीरो वन हो जाएगा, इसीलिए अब देखिएगा cos y इसमें नजर नहीं आएगा, एंड इंटू वन प्लस z, ये चीज हो गया। तो यहां से देखिए फाइव वन जेड कोमा जीरो निकल चुका है, यहां तक का काम हो चुका है, और इसीलिए हम इसको मिटा सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, फाइ टू जेड कोमा जीरो चाहिए, तो फाइ टू क्या है, डेल यू बाई डेल वाई, नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहां से फिर इस फंक्शन को हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत होगी, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये u है, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, एंड u हमारा क्या है, e का पावर x इंटू x cos y माइनस e का पावर x इंटू y sin y। ठीक है, अब यहां से फिर जब आप y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए ये x वाला टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x इंटू e का पावर x पहले आ जाएगा, एंड cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन y है, इसको यहां पे लगा दिए, माइनस साइन y था, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस x इंटू e का पावर x साइन y। अब इसको y के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है, e का पावर x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, इसका डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे तो e का पावर x इंटू y, और साइन y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos y, एंड प्लस साइन y एज इट इज, एंड e का पावर x इंटू वाई है, तो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x एंड y का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ये चीजें हो जाएंगी। अब यहां से अगर हम देखें तो ये हमें क्या मिल रहा है, माइनस x इंटू e का पावर x इंटू साइन y माइनस e का पावर x इंटू y cos y एंड माइनस साइन y e का पावर x। देखिए फाइव वन जेड कोमा जीरो पहले ही निकल चुका है, हमें चाहिए था फाइव टू जेड कोमा जीरो, तो एक्चुअल में ये जो चीजें आपको मिली हैं, देखिए डेल u बाई डेल y जो थ्योरी है, डेल u बाई डेल y ये फाइव टू एक्स कोमा y है, तो यहां से ये जो चीज है ये हमारा फाइव टू एक्स कोमा y है, लेकिन आपको चाहिए फाइव टू जेड कोमा जीरो, तो इसीलिए x के जगह पे z एंड y के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू जीरो, देन फाइव टू जेड कोमा जीरो, तब फाइ टू जेड कोमा जीरो ये आपका क्या हो जाएगा, x के जगह पे z पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस x के जगह पे z, तो ये z e का पावर z एंड साइन जीरो, तो साइन जीरो हो जाएगा जीरो, तो ये सब को ले डूबेगा, सब जीरो हो जाएगा, माइनस e का पावर z इंटू y जीरो रख देंगे, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये हमें y के जगह पे जीरो रखना है, तो साइन जीरो इसको खा गया, तो ये पूरा जीरो,
यहाँ पे ये y इसको खा गया तो ये पूरा जीरो, एंड अगेन जब y इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखेंगे तो साइन जीरो ये भी जीरो, तो फाई टू जेड कोमा जीरो जीरो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाई टू जेड कोमा जीरो मिल चुका है यहाँ पे। अब क्या कहता है कि ये है फॉर्मूला f ऑफ z बराबर फाइव वन जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। तो यहां से देखिए फाइव वन जेड कोमा जीरो हम पहले से निकाल चुके थे एंड फाइव टू जेड कोमा जीरो यहां से निकाले हैं, अब सीधे इस एफ जेड में इसका वैल्यू रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन तो तुरंत अभी तो इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको वी एक्स वाई गिवेन रहता, तो वी एक्स वाई जब गिवेन रहता ना तो डेल बी बाई डेल वाई निकालते उसको बोलते साई वन, एंड डेल बी बाई डेल एक्स निकालते उसको बोलते साई टू, और फिर साई वन जेड कोमा जीरो निकालते साई टू जेड कोमा जीरो निकालते और फिर इसमें रख देते तो हमें वो फंक्शन मिल जाता जो कि एनालिटिक होता। ठीक है, तो ये थ्योरी यहाँ पे ये क्लियर हो गया, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। और फिर ये थ्योरी जो है वो उसके लिए है जब वी एक्स वाई गिवेन है, तो आप इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा कि साई वन ये है साई टू ये है और इस तरीके से, और जब यू एक्स वाई गिवेन है तब तो हम काम कर ही रहे हैं, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब हमें क्या करना है कि देखिए जो आपको फाइव वन जेड कोमा जीरो एंड फाइव टू जेड कोमा जीरो मिला था उसको अब इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फाइव वन जेड कोमा जीरो आपका क्या था e का पावर z इंटू वन प्लस जेड एंड माइनस i इंटू फाइव टू क्या है भाई जीरो है, तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जीरो हो गया क्योंकि फाइव टू जीरो था, और ये हो जाएगा डी जेड प्लस सी। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ z ओके ये आपका सीधा क्या हो जाएगा, आपको याद आ रहा होगा एक चीज़ कि अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है तो ये सिंपली क्या हो जाता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये e का पावर z है एंड 1 प्लस z है और z का डेरिवेटिव क्या है 1 है, इसीलिए सिंपली क्या हो जाएगा z इंटू e का पावर z प्लस सी। ऑल राइट, तो यही आपका रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन है, समझ में आ गया, z इंटू e का पावर z प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन गिवन बाय थॉमसन्स मेथड। ठीक है, अगर आपको देखने में ये एक बार लिख लीजिए पूरा, ठीक है ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो आप उस मेथड से भी कीजिए। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। और हाँ, हमारा जो फेसबुक पेज है वो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, क्योंकि वहाँ पे हम लेक्चर इस पे पुट अप करने से पहले कुछ उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दिया करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम भी है, जो भी है आप फॉलो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।